तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है। पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 26 पद संख्या 16 से 19 तक। मूसा ने लोगों से कहा, आज तुम्हारा प्रभु ईश्वर इन नियमों तथा आज्ञाओं का पालन करने का आदेश दे रहा है। तुम इन पर चलते रहोगे और सारे हृदय और सारी आत्मा से इनका पालन करते रहोगे। आज तुम्हें प्रभु से ये आश्वासन मिला है कि वह तुम्हारा अपना ईश्वर होगा, बशर्ते तुम उसके मार्ग पर चलो, उसके नियमों आदेशों तथा आज्ञाओं का पालन करो और उसकी बातों पर ध्यान दो। तुमने प्रभु को ये आश्वासन दिया कि तुम उसकी अपनी प्रजा होगे, जैसा कि उसने तुमसे कहा है, बशर्ते तुम उसकी सभी आज्ञाओं का पालन करो। उसने जितने राष्ट्र बनाए उन सब से अधिक वह तुम्हें सम्मान, ख्याति तथा महिमा प्रदान करेगा और तुम प्रभु की पवित्र प्रजा होगे, जैसा कि उसने तुमसे कहा है। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य, धन्य है वह जो प्रभु की संहिता पर चलते हैं। धन्य है वह जो प्रभु की संहिता पर चलते हैं। धन्य है वह जो निर्दोष जीवन बिताते और प्रभु की संहिता के मार्ग पर चलते हैं। धन्य है वह जो उसकी आज्ञाओं का पालन करते और उन्हें हृदय से चाहते हैं। अनुवाक्य, धन्य है वे जो प्रभु की संहिता पर चलते हैं। तूने अपने नियम इसलिए दिए कि हम उनका पूरा पूरा पालन करें। ओह, मैं तेरी इच्छा पूरी करने में सदा ही दृढ़ बना रहूं। अनुवाक्य, धन्य है वह जो प्रभु की संहिता पर चलते हैं। यदि मैं तेरे पवित्र नियम जान जाऊंगा तो निष्कपट हृदय से तुझे धन्यवाद देता रहूंगा। मैं तेरे नियमों का पालन करता रहूंगा तो मुझे कभी नहीं त्याग देगा। अनुवाक्य, धन्य है वे जो प्रभु की संहिता पर चलते हैं। जय घोष, अब उपयुक्त समय है, ये मुक्ति का दिन है। पवित्र सुसमाचार संत मत्ती के अनुसार अध्याय 5 पद संख्या 43 से 48। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है, अपने पड़ोसी से प्रेम करो और अपने बैरी से बैर। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो, इससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान बन जाओगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उगाता है तथा धर्मी और अधर्मी दोनों पर पानी बरसाता है। यदि तुम उन्हीं से प्रेम रखते हो जो तुमसे प्रेम रखते हैं तो पुरस्कार का दावा कैसे कर सकते हो? क्या नाकेदार भी ऐसा नहीं करते? और यदि तुम अपने भाइयों को ही नमस्कार करते हो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या गैर यहूदी भी ऐसा नहीं करते? इसलिए तुम पूर्ण बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता पूर्ण है। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रीस्त की जय।